दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल घर की बगिया। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं तुलसी का पेड़। दोस्तों, तुलसी का जो पेड़ है तो ये पेड़ पुराना से पुराना पेड़ मेरे पास आपको मिलेगा। ये दोस्तों, इसको कैसे केयर किया जाता है, कैसे इसको दवाई खाद डाला जाता है, ये मरता नहीं है, 2-3 साल तक आपके पास जिंदा रह सकता है, बाल्टी में भी रह सकता है, गमले में भी रह सकता है। दोस्तों, तो मैं कैसे इसकी केयर करती हूँ उस तरह से आप लोग केयर कीजिए और देखिए। दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। दोस्तों, फिर आगे वीडियो में चलते हैं, आइए दिखाते हैं। दोस्तों, ये मेरा 2 साल का पुराना पेड़ है, तो देखिए इसमें ये कैसा जिंदा रहता है, जाड़े में भी गर्मी में भी इसी तरह हमेशा हरा भरा रहता है। तो मैं क्या करती हूँ, इसमें हमेशा इसका ध्यान कैसे रखती हूँ, जो ये जो फूल होता है हमेशा, दोस्तों इस फूल को इस तरह हमेशा किसी कैसी की कटर की मदद से इस फूल को हमेशा तोड़ते रहो, कभी इसको फूल बनने मत दो, कभी इस पेड़ में आपका जान रहेगा, क्योंकि फूल से इसका एनर्जी बहुत ख़त्म होता है। और जैसे ही तुम इस फूल को काटते हो तभी इसमें दूसरा ब्रांच निकल के एक गोल जैसा शेप ले लेता पेड़ का, और जैसे खूब जाड़ा हो तो जाड़े में भी ये ख़त्म नहीं होता क्योंकि इसमें एनर्जी बने रहते। और इसमें डालना क्या होता है, बीच बीच में थोड़ा सा गोबर का खाद या जो दुकान का खाद होता है वो थोड़ा थोड़ा डाल दिया कीजिए, क्योंकि जो मिट्टी में होता है उसमें मिट्टी से सारा उसको प्रोटीन मिल जाता है, थोड़ा बहुत केयर करने की ज़रूरत पड़ता है। और जो गमले में होता है उसको ज़्यादातर ध्यान रखना पड़ता है। और एक काम क्या करना पड़ता है दोस्तों, जैसे खूब जाड़ा जाड़ा हो पुष्टम इस पौधों को लेके तो अंदर किसी जगह छत के नीचे कहीं पर भी जहाँ बर्फ का हवा ना आए, ठंडा हवा ना आए तो रख दो, ज़्यादा नहीं 15-20 दिन रख दो, उसके बाद इसका कभी ये पेड़ मरता नहीं है। लेकिन शुरू शुरू में जैसे फिर दोबारा गर्मी शुरू होता है तो थोड़ा पत्ता सिकुड़ जाते हैं, तो जैसे ही धूप चालू हो जाएगा आपका जो ये सिकुड़ने वाला पत्ता सारा झड़ जाएंगे। फिर उसमें थोड़ा खाद दवाई डालो जड़ में, तब देखो फिर बिल्कुल नया पत्ता आता है। और ये जो पुराना जो ये जो छोटा छोटा जो डाली जो भी होता है इसका हमेशा इसका ऐसी कट पिट करके इसको निकाल दिया करो, तभी आपका पेड़ कभी नहीं मरता। तो ऐसा है दोस्तों, घर में जो पुराना तुलसी का पेड़ होना बहुत ही शुभ होता, अच्छा होता। मेरा ये 2 साल का है पुराना, और ये जो इधर देख रहे हो ये 3 साल का है। आप जब तक ये ड्रिप इस्तेमाल नहीं करते आपको पता नहीं चलेगा कि मैं सच बोल रही हूँ क्या झूठ बोल रही हूँ। और तुलसी का पेड़ घर में होना बहुत ही शुभ होता है, और तुलसी का पेड़ घर में जिंदा ना और अच्छी बात होता है। तो इस तरह आप लोग भी ट्राई कीजिए, लगाइए, देखिए। इस टाइम बारिश का मौसम चालू हो गया दोस्तों, तो आप भी पौधा लेके ऐसे लगा और उसका केयर करो, देखो आपका भी तुलसी का पेड़ जिंदा रहेगा। तो दोस्तों, अभी हम मैं इसमें क्या डालूँ, इसमें कौन सा खाद डाल रही हूँ, क्या डाल रही हूँ आपको दिखाती हूँ। पहले तो इसका जितना भी फूल है सब इसका कट कर दीजिए, हर हफ्ते में जैसे आपको नज़र आए कि इसमें फूल बन रहा है तो उसको कट कीजिए, कट करना बहुत ज़रूरी होता है। और जाड़ा ख़त्म होते ही आपको नज़र में आएगा थोड़ा थोड़ा सूखा डाली छोटा छोटा, उसको भी कट कीजिए। ये मेरे पास देखो दो, इतना सा छोटा सा बाल्टी में 2 पौधा है, एक ये काला तुलसी एक सफ़ेद तुलसी, तो हमारे में क्या कहते हैं राधा किशन, जिस घर में ऐसा जोड़ा तुलसी होता है उस घर में बहुत ही अच्छा शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर शेयर करना और सब लगाना इस तरह। और इसमें अभी मैं क्या डाल रही हूँ देखिए, ये देखिए दोस्तों, हमेशा मेरा कोई सा भी गमला हो कुछ भी हो मिट्टी मेरा हमेशा भुरभुरा मिलेगा आपको। तो थोड़ा इधर आप पीछे तो हल्का कर देंगे, आपका पेड़ सालों साल चलता जाएगा। मेरे पास तो कहीं पर भी तुलसी हो जाता है, कहीं पर भी आप जब तक नहीं देखोगे यकीन नहीं करूँगी। छत पे मेरा इधर उधर में तो घेड़ घेड़ के लोगों को दे भी देती हूँ और फेर भी देती हूँ, क्या करूँ इतना का फूल का पेड़ रखूँ या तुलसी का पेड़ रखूँ, फिर भी मेरे पास है। इसी टाइम कम से कम 6-7 पेड़ मेरे इस टाइम है, ये मैंने थोड़ा खोद दिया। अब इसमें डालना क्या है, ये जो खाद है इसको ही डालना है, ये है खाद।
दोस्तों मैंने इधर से कट करके निकाला तो दिखाने में थोड़ा मुश्किल हो रहा, तो देखिए ये है खाद। मैं ज़्यादातर इसी को प्रयोग करती हूँ और इसके साथ एक नीला कलर का खाद आता है जिसको फेरुडन कहा जाता है। दोस्तों कोई दोस्तों ने मेरे से पूछा कि दीदी कैसा है होता ये, तो ये देखिए इस तरह का होता है। ये है चीनी की दाने की तरह और जहाँ से ये खाद मिलता वहीं मिल जाएगा। तो दोस्तों मुझे इतना ज़रूरत नहीं, इसमें थोड़ा चुटकी भर चाहिए, ज़्यादा नहीं डालना। अब चुटकी भर डालो हो जाता है, इतना ही डालूँगी, दो चार दाने तो हो जाएगा इसमें। दोस्तों ये डालना इसीलिए ज़रूरी होता है, चींटी लगता है, कीड़े लगते नीचे, तो जहाँ इस टाइम गर्मी हो ठंडा हो जहाँ भी आपको नमी मिलेगा वहीं आपको केचुए मिलते हैं, चींटी मिलते हैं, तो इसीलिए डालना ज़रूरी होता है, तभी केचुए चींटी नहीं घूमेंगे इसमें। और ये जो खाद है ये भी डाल सकते हो, और जो DIP आता है दुकान का मार्केट का वो भी डाल सकते हो, तो ज़्यादा नहीं थोड़ा डालना, इसी में हो जाएगा आपका। और जैसे 15 दिन 20 दिन बाद बाद थोड़ा थोड़ा डाल दीजिए, देखिए कितना अच्छा चलता तुलसी आपका। ये मेरे पास ये दो ही पौधे, मैं हमेशा इसको रखती हूँ, खाद दवाई करती हूँ, और जितने पौधे वो तो ऐसे ही हो जाता है, लोगों को घर में तुलसी नहीं रहता। और कहीं से भी पूजा पाठ की बात होता तो कहता चलो फलाना के घर में तुलसी है चलो ले आते हैं, तो हमारे यहाँ से ही ले जाते हैं सारे। और मैं तो बहुत सारे को पौधे भी दे देती हूँ कि नहीं तुम भी लगाओ, इसमें भी थोड़ा सा डाल दूँ मैं। हमेशा गमले के चारों तरफ से दोस्तों डालना, कभी भी जड़ में मत डालना, कोई सा भी पेड़ हो पौधे हो, दवाई हमेशा गमले के चारों साइड से डालना, क्योंकि जड़ में पड़ते ही खराब हो जाता है जड़। हल्का हल्का खोद देंगे दोस्तों, इसमें थोड़ा मिट्टी भी चाहिए, काफी दिन से इसमें मिट्टी नहीं चढ़ाया मैंने, अभी थोड़ा मिट्टी भी डाल दूंगी। मेरा गार्डन सॉइल है तो मैं इसी को डालती जाऊंगी, इसमें ही चाहिए इसमें चाहिए नहीं है। दोस्तों ये गमला गीला है इसमें पानी नहीं डालूंगी, और ये सूखा है इसमें पानी डालूंगी। तुलसी को घर में जिंदा रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों आपके पास भी तुलसी है तो आप भी उसको केयर कीजिए और इसी तरह उसको ध्यान रखो, तभी आपका तुलसी चलेगा। हर चीज़ का एक नियम होता है, तभी वही चीज़ बन के टिकता है दोस्तों। तो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो आगे वीडियो में बने रहो और देखते रहो, बहुत बहुत जानकारी आपको मिल जाएगी। बहुत सारे मेरे पास हर चीज़ के वीडियो है, जैसे पौधे के क्या करना होता सब्जी का, तो दोस्तों आगे वीडियो में बने रहे, देखते रहे, धन्यवाद।